Hello everyone, today I am going to explain how to get the data into the Power Query. Now, मैं हूँ सिरीज तिवारी, अपडेट स्किल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है. गाइज, पावर क्वेरी के इस सीरीज़ में हम लोग पावर क्वेरी के बहुत सारे वीडियोस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से ये पावर क्वेरी का थर्ड वीडियो है. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पावर क्वेरी के अंदर डेटा फ्रॉम द वर्कबुक से आप कैसे लाते हैं. वैसे तो हमारे पास कॉपी पेस्ट नाम का ऑप्शन है, दैट ईजिली वी कैन गेट इट कॉपी पेस्ट. बट एज़ वी नो दैट कि सिर्फ कॉपी पेस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी गाइस. आगे चल के अगर आपने कोई डेटा में अपडेट कर दिया, मॉडिफिकेशन किया, डिलीशन किया, तो वो डेटा में भी होना चाहिए. सो दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस वेयर वी नीड टू यूज़ दिस पावर क्वेरी. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं चलता हूँ आपके पावर क्वेरी के पास. करेक्ट, जी हाँ, पावर क्वेरी में अगर डेटा लानी है तो हम डेटा कैसे लाते हैं. आप देख सकते हैं ये मेरा जैन का डेटा है, सिमिलरली ये फैब का डेटा है. अब इस डेटा को मैं क्लोज कर देता हूँ. जी हाँ दोस्तों, इस डेटा को मैंने क्लोज कर दिया है. अब मैं एक नई शीट एक्सेल की ओपन कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं आपके सामने एक एक्सेल की नई शीट मैंने ओपन कर दी. और अब मैं चाहता हूँ कि इस शीट के अंदर का डेटा जो है वो मैं अपने एक्सेल के वर्कबुक से लाना चाहता हूँ. सो सबसे पहले चलते हैं हम लोग डेटा में. डेटा में जाने के बाद न्यू क्वेरीज, और यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे फ्रॉम वर्कबुक. गाइज, वी आर ऑलरेडी डन विद द टेक्स्ट ऑप्शन, वी आर ऑलरेडी डन विद द CSV. नाउ वी आर मूविंग बैक टू द फ्रॉम वर्कबुक. जी हाँ दोस्तों, मैं चलता हूँ फ्रॉम वर्कबुक. इस वर्कबुक में जाने के बाद ये पूछ रहा है कि आपके एड्रेस, दैट डेटा का लोकेशन. सो आई हैव माई डेटा विच इज स्टोर्ड इन पावर क्वेरी, और पावर क्वेरी में मैं जाता हूँ इम्पोर्ट ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर वर्कबुक. नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पे आ गया. मैंने क्लिक कर दिया इम्पोर्ट. अब जब इम्पोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो सारा डेटा एक्सेल में ट्रांसफर होने के लिए रेडी हो गया. गाइज, नाउ पावर क्वेरी और एक्सेल के बीच की कनेक्टिविटी हो गई है. नाउ इफ़ यू हैव वन शीट, अगर आपके पास एक्सेल में एक शीट होगी तो यहाँ पे एक ही आएगा. अगर दो है या मल्टीपल है तो यू विल गेट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. अगर आपको लगा एक ही शीट लानी चाहते हैं तो गाइज यहाँ पे आप मल्टीपल चूज मत करो. मल्टीपल का मतलब हुआ कि अगर हमें दोनों चूज करना है, लाइक दोनों टेबल का डेटा मुझे चाहिए, सो देन वी कैन गो फॉर दिस. गाइज, नाउ करंटली मैं आप लोगों को जैन का डेटा ले आता हूँ. तो मैं यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन भी ले सकता हूँ और जैन पे भी क्लिक कर सकता हूँ. आप देख सकते हैं ये डेटा तो यहाँ पे आ गया, बट इस डेटा में थोड़ा सा एरर भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ नल वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स ये डेटा मैं डायरेक्टली लोड नहीं कर सकता. आई नीड टू डू सर्टेन एडिशन. सो इसमें चेंजेस करने के लिए हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा. आई रिपीट, चेंज करने के लिए हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा. नाउ जैसे ही मैं आ गया ट्रांसफॉर्म डेटा में, यस, अब इस ट्रांसफॉर्म डेटा में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इस डेटा में अनवांटेड डेटा क्या है मेरे पास. नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, नेविगेशन लिखा हुआ है, उसके बाद प्रमोटेड हेडर्स लिखा है, चेंज टाइप. इसका मतलब है कि पावर क्वेरी ने आपके डेटा में खुद से डेटा टाइप को चेंज कर दिया. दैट मींस द डेटा इज मॉडिफाइड द पावर क्वेरी इटसेल्फ विदाउट गिविंग अ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन. मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है, डेटा फिर भी चेंज हो गया है. जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसे इंस्ट्रक्शन दूंगा. मैं चाहता हूँ कि ये पावर क्वेरी मेरे कंट्रोल में आ जाए. अब ये पावर क्वेरी के ऊपर आपका कंट्रोल कैसे होगा. चलिए सबसे पहले हम लोग इस नल डेटा के ऊपर फोकस करते हैं. जी हाँ दोस्तों, ये डेटा हमारे कोई काम का नहीं है, तो मैं चलूँगा यहाँ पे रिमूव रोज के ऊपर. जी हाँ, ये मिलेगा आपको होम ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ रिमूव टॉप रो. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2-3 रोज भी निकालने होंगे, 3-4-5, अगर इस तरह की कोई क्वेरीज या एरर्स आ रहे हैं या नल वैल्यूज आ रही है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 लिखा है. ओके, आप देख सकते हैं एक रोज आ चुकी है. यस, अब ये रोज आने के बाद गाइस ये जो डेटा दिखाई दे रहा है कि अब इस डेटा के अंदर आप देखेंगे कि मेरी हेडिंग ये है, मगर ये हेडिंग भी प्रॉपर नहीं है. सो मेरी हेडिंग को लाने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर. यस, आई गॉट इट माई हेडिंग. अब इस हेडिंग में जरा वेरीफाई कर लेते हैं. गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट, और इसमें भी लिखा हुआ है, आई रिपीट, डेट. अब इसे प्रॉपर चेक करने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ डेटा टाइप, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डेट. इसका मतलब आप प्रॉपर इसे देख सकते हैं. ओके, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइज, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आईडी, और इसके ऊपर यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिकॉज नंबर और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो नेचुरली मुझे यही दिखाई देगा गाइज. करेक्ट, अगर आप चाहते हैं इसे नंबर में कन्वर्ट करना, अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए. यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटिटी लिखा है और ये डेटा टाइप में होल नंबर, दिस इज़ करेक्ट. यहाँ पे रेट लिखा है डेटा टाइप में होल नंबर, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे भी लिखा हुआ है नंबर्स, और ये भी है डेटा टाइप नंबर. दैट मीन्स आई डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ ए चेंजेस. अब मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, तो सिंपली अगर आप कोई चेंज नहीं करना चाहते तो हम चलते हैं क्लोज एंड लोड. यस, आपका डेटा यहाँ पे वेरी इजीली तरीके से लोड हो गया है विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर. आप देख सकते हैं 731 रोज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं. इन फ्यूचर अगर और कोई आपको इसमें एडिशन करना या चेंजेस करना है, तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट.
अब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको ले चलता हूँ उस एक्सेल की फाइल में जिस फाइल के अंदर हम लोगों ने ये डेटा लिया हुआ है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो डेट है इस डेट को हमारी क्वांटिटी में कोई ऑल्टरेशन आ गया है। चलिए एक बार देखते हैं उसे भी वहाँ पे कि क्या यहाँ पे रिफ्रेश होता है या नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा रिफ्रेश होता है या नहीं होता है। यस, तो मैं फिर से ले चलता हूँ आपको फाइल में जाके, मैं उसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ। आई रिपीट, मैं उसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ। ये वो फाइल है जहाँ पे मैंने अपना डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। सो दैट इज़ माय डेटा स्टोर्ड इनटू दिस। सो आई जस्ट ओपन माय फाइल। अब आप देख सकते हैं इस फाइल में मैं यहाँ पे चला गया जैन। आई रिपीट, ये बैक डेट में हम देख सकते हैं हम लोग ये शीट में काम कर रहे हैं जो जैन का डेटा है। यस, सो आप इस डेटा के ऊपर आ जाइए जैन में। अब जैन में क्वांटिटी क्या है? 63। हम सैम्पल प्रैक्टिस करने के लिए मैं इनको 1-1 कर देता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स, ताकि आपको ये समझ में आए कि डेटा में चेंजेस करना कितना इजीली पॉसिबल है। नाउ आई एम डन विथ माई वर्क। मैं इसे फाइल में जाके सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस। जी हाँ, ये शॉर्टकट से मैंने सेव कर दिया है। अब ये डेटा यहाँ पे आपके पास रिफ्रेश नहीं हुआ। सो रिफ्रेश लाने के लिए आप राइट क्लिक करके जा सकते हैं गाइज रिफ्रेश ऑप्शन में, या अदरवाइज यहाँ पे भी मेरे पास डेटा है रिफ्रेश। आप देख सकते हैं आपका डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका है ना दोस्तों, कमाल का ऑप्शन है। नाउ इसमें भी एक ट्रिक मैं आपको शेयर करता हूँ, लेट अस बिगिन विद द ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस अपने प्रीवियस डेटा में चलता हूँ जो एक्सेल का डेटा है ये मेरे पास। ओके, सो दिस इज माई एक्सेल डेटा। अब मैं जैन में नहीं जाऊँगा गाइज, अब मैं फैब में चलता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मंथ में सब फैब लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज अ फैब डेटा। इस फैब डेटा को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके कन्वर्ट कर देता हूँ टेबल में। गाइज मैंने कंट्रोल टी करके इसे टेबल में कन्वर्ट किया और बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं इसका नाम भी आ गया। ओके, कोई बात नहीं, सेव कर लो। और सेव करने के बाद मैं सिंपली इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ जरा अपने पावर क्वेरी में। सेम वही ऑप्शन जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, एक बार और ट्राई करेंगे। अब मैं वापस यहीं से जाता हूँ फ्रॉम वर्कबुक। ओके, सेम ऑप्शंस, वही टेबल को हम वापस लोकेशन चूज करेंगे इम्पोर्ट। लेट्स सी द इम्पैक्ट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, व्हाई आई डिड दैट। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो जैन फैब तो ऑलरेडी आ रहा था, आई डोंट हैव एनी एडिशनल शीट, लेकिन पावर क्वेरी ने इस टेबल को एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो दैट मीन दिस इज अनदर टेबल। अब इस टेबल को भी मैं ले लेता हूँ गाइज, ये है इसका ट्रिक। आप टेबल में कन्वर्ट करने का मैजिकल ट्रिक देख सकते हैं कि जो एरर आपको दिखाई दे रहे थे वो एरर नहीं आ रहे। सो दैट मीन्स पावर क्वेरी हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाई कि डेटा इज अ करेक्टेड एंड इन द फॉर्मेट ऑफ ए टेबल। सो दैट मीन्स देर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ ए करेक्शन इन योर हेडिंग्स। ओके, सो इफ देर इज नो करेक्शन वी कैन डायरेक्टली गो बैक टू द लोड डेटा, इफ देर इज अ करेक्शन वी कैन गो बैक टू द ट्रांसफॉर्म एज वी नो दैट। सो लेट मी प्रोसीड विद दिस लोड डेटा। नाउ जैसे ही मैं लोड डेटा पे क्लिक कर देता हूँ पावर क्वेरी आपके डेटा को ऑटोमेटिक हमारी एक्सेल शीट में ट्रांसफर कर देता है गाइस। हार्डली फ्यू सेकंड्स में आपका डेटा आ चुका है और विदाउट एनी काइंड ऑफ ए एरर्स। सो गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस विच आई एम डूइंग इट एंड इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू डू दैट। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशंस हाउ टू गेट योर डेटा फ्रॉम अनदर वर्कबुक। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे।